हेलो गाइस, मेरा नाम विपिन अतुड़ी। आप देख रहे हैं मेरे चैनल वीपीआर वीडियोस। सो गाइस, आज का सीन ऐसा है, आज मैं जा रहा हूँ सुकरताल, जिसे पवित्र तीर्थ नगरी भी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर भागवत कथा पूरे संसार में पहली बार सुनाई गई थी राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी द्वारा। तो चलो चलते हैं वहाँ पर। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं अभी अपने दोस्त आशीष का इंतजार कर रहा हूँ। गाइज, आप सब सोच रहे होंगे कि मेरी आँखों में सर्कल बन रहा है, ये किस वजह से बन रहा है। गाइज, मैं रिंग लाइट का यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जा सकते हो और वहाँ पर क्लिक कर चेक कर सकते हो कि हाउ टू मेक रिंग लाइट एट होम इन अफोर्डेबल प्राइस। मुजफ्फरनगर से सुकरताल मात्र 28 किलोमीटर दूर है। फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ सुकरताल पवित्र तीर्थ स्थल पर। और मेरे पीछे है यहाँ पर गंगा घाट, और अब मैं आपको ले चलता हूँ। तो गाइज, अब मैं पहुंच चुका हूँ गंगा घाट पर और भी सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। और गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो, मात्र 30 रुपये का टिकट बनता है एक बंदे का। गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक शहीद स्मारक है, यहाँ पर एक कारगिल के युद्ध के समय एक टैंक रखा हुआ है। और चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ पहले। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं शहीद स्मारक पर, और मैंने आपको कहा था मैं आपको शहीद स्मारक दिखाऊंगा। और यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक पाकिस्तान से लाया हुआ एक टैंक यहाँ पर रखा हुआ है, इधर की साइड, इधर ये आप देख रहे हो जाले में। गाइस, ये वही टैंक है जो कारगिल युद्ध के समय यूज हुआ था, और इसे यहाँ पर कारगिल से लाया गया है। गाइस, सीन ऐसा है कि मैं अब ऐसी जगह आ चुका हूँ जहाँ पर बॉलीवुड की सबसे फेमस फिल्म की शूटिंग हुई है, सुल्तान की। और ये जो आप पीछे पुल देख रहे हो, यहाँ पर अपने सल्लू भाई ने चेतक स्कूटर दौड़ाया था। और जी हाँ गाइस, ये वो ही जगह है जहाँ पर सुल्तान की शूटिंग की गई है। और जैसे कि आप देख रहे हो, ये वही जगह है जहाँ पर आपको जब सुल्तान को लेने आता है उसका दोस्त, तो वो ढाबा वो यहाँ पर बनाया गया था, उठाबा इधर की साइड बनाया गया था। और वो जो जल निगम जिसमें सुल्तान काम करता था, अपनी सरकारी ड्यूटी निभाता था, वो यहाँ पर बनाया गया है। सो गाइस, यहाँ पर एक खास बात हो रही है, यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो, और एक बंदे का यहाँ पर सिर्फ 30 रुपये चार्ज लगता है। और चलो चलते हैं इसमें। तो फाइनली गाइस, अब मैं बोट में बैठ चुका हूँ और अब बोट चलने वाली है। और गाइस, बोटिंग करके काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी इंजॉय किया मैंने। और गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में।